जैसे कि आप देख रहे हो। और ये जो पूजा है फ्रेंड्स, ये की जाती है लड़की के जाने से पहले, और ये पूजा की जा रही है छुरे के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हिमाचल जो है वो देवभूमि है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं तो उनको भी भगवान का रूप माना जाता है, मतलब तो इसलिए यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन की दोनों की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी शादी थी, दूल्हा तो आया ही नहीं। एक्चुअली क्या है फ्रेंड कि ये जो शादी थी इसे कहा जाता है हमारे पहाड़ों में छोटी शादी। तो इसमें क्या होता है कि दूल्हा नहीं आता है, उसकी जगह पर तलवार, तलवार तो क्या मतलब कि पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कि छुरा, तो छुरे के साथ सारी रस्में की जाती है दुल्हन के घर पर। उसके बाद जब दुल्हन पहुँचती है बारात लेकर दूल्हे के घर पर, तो उसके बाद जितने भी रिचुअल्स है फेयर एंड ऑल, वो सब दूल्हे के घर पर होते हैं। तो आज के व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।